हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी का आठवां महीना चल रहा है तो आज के इस वीडियो में हम 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की ही बात करने जा रहे हैं। आठवें महीने में प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, बच्चे का साइज क्या होता है, आपका साइज कितना हो जाता है, कितना वेट गेन आप कर लेते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इस महीने में, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप 8 मंथ प्रेगनेंसी में हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा, बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर पहले बच्चे की साइज़ की बात करें तो अभी तक आपका बच्चे का जो वेट है वो 1.5 से 2 किलो तक हो जाता है, मतलब 1.5 kg से 2 kg के अराउंड हो जाता है। और ये जो आठवें महीने की प्रेगनेंसी होती है ये 30 से 34 वीक्स के बीच में आती है, तो इसमें आपके बेबी का जो साइज़ है अच्छा खासा हो जाता है, 1.5 से 2 किलो हो जाता है, काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है, पाइनएप्पल के आकार का आपका बेबी हो जाता है। बच्चे की इंच में बात करें तो 18 इंच का बेबी की लेंथ हो जाती है। इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस आठवें महीने में ही ज़्यादा होती है। 8 और 9 मंथ जो प्रेगनेंसी के होते हैं, जो प्रेगनेंसी की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है वो सिर्फ इन्हीं 2 महीनों में ही ज़्यादा होती है। जैसे कि बात करें कि पेट का साइज जो है, आकार है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, रात में सोने में बहुत परेशानी होती है, करवट बदलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आपको अपने प्राइवेट एरिया के पास एक अच्छा खासा भारीपन महसूस होता है, लेट के जब आप उठते हैं चलते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा पेट के नीचे खिंचाव महसूस होता होगा, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आना शुरू हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग नहीं है तो पैरों में दर्द होता है। जब आप अपने काम निपटाते हैं, अगर आप पूरे दिन एक्टिव हैं और आप अपने काम निपटाने के बाद जब लेटते हैं तो आपको अपने पैरों में दर्द, लेग क्रैम्प्स महसूस होते हैं। इसके साथ ही कमर दर्द भी इस महीने में अच्छा खासा होता है। 3rd ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के अच्छा खासा कमर दर्द होता है क्योंकि बच्चे का साइज बढ़ रहा है, पेट आगे की तरफ बढ़ रहा है, रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ रहा है, इस वजह से कमर दर्द भी ज़्यादा हो जाता है। आपका वजन भी अच्छा खासा बढ़ने लगता है, 8 मंथ की प्रेगनेंसी में आपका खुद का वजन भी अच्छा खासा बढ़ चुका होता है। अगर आपका प्रेगनेंसी में नॉर्मल वेट गेन हो रहा है तो अब तक आपने 10 किलो तक 12 किलो तक वजन आराम से गेन कर लिया होगा, तो इतना वजन बढ़ने के बाद और अंदर बच्चे का वजन होने के बाद इस वजह से आपको चलने फिरने, उठने बैठने में और सोने में भी दिक्कत महसूस होती है। ब्रेस्ट में भारीपन है, साथ ही इस महीने से हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना भी शुरू हो जाए। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से आता है, कुछ लोगों को 2nd ट्राइमेस्टर से शुरू होता है, वहीं कुछ लोगों को लास्ट के ट्राइमेस्टर में के कुछ महीनों में, आखिरी के महीनों में हल्का फुल्का ब्रेस्ट डिस्चार्ज आता है, या फिर हो सकता है कि पूरे मंथ 8 मंथ 9 मंथ पूरा ब्रेस्ट डिस्चार्ज आए, तो 8 मंथ में ये भी होना संभव है। इस समय आपका जो बच्चा है उसके बॉडी के सारे पार्ट्स प्रॉपरली बन चुके हैं, हाथ, पैर, किडनी, लीवर, सब कुछ डेवलप हो चुका है, लंग्स अभी प्रोसेस में हैं, अभी वो डेवलप हो रहे हैं, बच्चा आपकी आवाज़ सुनता है, बाहर की सारी आवाज़ें बच्चे को समझ में आती है, अपनी माँ की आवाज़ बच्चा प्रॉपर सुन सकता है, समझ सकता है कि ये मेरी माँ बोल रही है, बच्चे की आईज बन चुकी हैं, बच्चे के कान डेवलप हो चुके हैं, हेयर बन चुके हैं, बच्चे के लिप्स वगैरह सब बन चुके हैं, नेल्स वगैरह सब प्रॉपर बन चुके हैं, बच्चा मूवमेंट आपका कर रहा है अच्छा खासा। इस महीने में मूवमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे 8 मंथ में एक्टिव होते हैं कि करते हैं मूवमेंट, करते हैं अच्छी खासी, वहीं कुछ बच्चे जो हैं 8-9 मंथ में मूवमेंट उनकी कम होती है। लेकिन आप अभी आपके बेबी ने 5-6 मंथ से मूवमेंट स्टार्ट कर दी होगी तो आपको पता होगा कि वो किस टाइम पर ज़्यादा मूवमेंट करता है, किस टाइम पर कम करता है, किस करवट आप सोते हैं तो मूवमेंट ज़्यादा पता चलती है, किस करवट पे कम पता चलती है, ये सारी चीज़ें अब तक आप समझ चुके होंगे। खाने के बाद ज़्यादा मूवमेंट करता है, सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे ज़्यादा मूवमेंट करता है, या रात में आप बाईं करवट या दाईं करवट लेटते हैं तब ज़्यादा मूवमेंट करता है, ये सारी चीज़ें अगर आपने नोटिस की होंगी इतने महीनों में तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आपका बेबी किस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो बेबी की जो किक है, जो मूवमेंट है, वो 8वें महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि बेबी का साइज बड़ा हो गया है, ग्रोथ अच्छी खासी हो गई है, स्पेस पेट में कम है, जगह कम है, तो इसलिए कई बार बच्चों की मूवमेंट कम भी हो जाती है इस टाइम पे। और घर में बच्चे सोते भी हैं तो 2-3 घंटे अगर वो मूवमेंट नहीं कर रहे तो इट्स ओके, बट बच्चा आपका कम मूवमेंट करता है, घूम रहा है या किक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है लेकिन वो एक्टिव है पेट के अंदर, आप उसकी किक को, मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो 8 मंथ प्रेगनेंसी में बच्चे की मूवमेंट का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, वो घूम रहा है नहीं घूम रहा कोई बात नहीं, सो के वो किक कर रहा है, हल्की कर रहा है, तेज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर आपको आभास हो रहा है कि आपका बेबी इस समय एक्टिव है, तो
इस चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा क्योंकि अब आपका डिलीवरी का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो कई बार फेक लेबर पेन भी हो सकता है आपको। 8 मंथ में प्राइवेट पार्ट पे अच्छा खासा भारीपन पड़ता है, पेट का साइज बड़ा हो जाता है, बच्चा नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, कमर में दर्द होता है। इस वजह से हो सकता है कि आपको कभी कभी फेक लेबर पेन भी आए कि आपको दर्द आ रहा है पेट में और फिर उसके फिर चला जा रहा है, फिर दर्द आ रहा है। तो इसका इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी दर्द आता है पेट में कि मतलब आपने खाना खाया, कोई खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, सूट नहीं किया आपको, इस वजह से पेट दर्द होता है। कई बार लोग उसे भी लेबर पेन समझ लेते हैं, या फिर फेक लेबर पेन भी आता है कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रहता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको सीवियर पेट में दर्द हो इस महीने में तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, वो देखेंगे, चेक करेंगे, बताएंगे कि वो नेचुरल लेबर पेन है या फेक लेबर पेन है या फिर इंडाइजेशन वाला पेट दर्द है। तो ये सारी चीज़ें 8 मंथ में होती हैं। अगर आपकी 8 मंथ की प्रेगनेंसी है तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर प्री मेच्योर डिलीवरीज जो होती हैं वो 8 मंथ में ही होती हैं। तो इसलिए इस महीने में अपने उठने बैठने सोने जगने चलने फिरने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इस समय 8 मंथ ऐसा टाइम होता है जब अगर आप अपनी डाइट जितनी अच्छी कर लेंगे उतना अच्छा आपका बेबी का ग्रोथ होता है। लास्ट के 3 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से होती है, जो कि पिछले 6 महीनों में नहीं हुई होती, वो आखिरी के 3 महीनों में होती है। तो इसलिए अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इससे आपके बेबी का जो वज़न पहले अगर नहीं भी बढ़ पाया है प्रॉपर ठीक से, तो वो आगे के 3 महीनों में इन 3 महीनों में अच्छे से बढ़ेगा और आपका भी अच्छा वेट गेन इन 3 महीनों में बढ़ जाएगा। होप सो ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।